आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम सुबह का। सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, सकारात्मक खबर की बात कर रही हूँ तो सकारात्मक मुद्दा छुड़ा है आज प्रियंका गांधी से, जो कि कांग्रेस की अब नेता भी कही जा रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जो कि पूर्वांचल की प्रभारी बनाई गई हैं, उसके साथ ही साथ कांग्रेस की महासचिव भी नियुक्त की गई हैं। प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपा गया है। वैसे में सब यही सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी गढ़ बिठाएंगी प्रियंका गांधी, कि वो बीजेपी और सपा बसपा के गठबंधन में कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफा और दूसरी तरफ सपा बसपा का गठबंधन, तीनों ही पार्टियों में किस तरह से सेंध लगा पाएंगे। वैसे में पूर्वांचल में मैं आपको बता दूँ कि 80 में से लगभग 25 से 28 सीटें पूर्वांचल से आती हैं, यानी कि एक तिहाई सीटें। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि प्रियंका का दाव आखिर क्या कमाल करेगा। प्रियंका गांधी की जुबत के तहत कांग्रेस जो कि वेंटिलेटर पर है उत्तर प्रदेश में, वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने में कामयाब हो पाएंगी। तो चलिए बताती हूँ आपको सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर किस सकारात्मक पहल के तहत, किस सकारात्मक सोच के तहत प्रियंका गांधी बीजेपी को कड़ी पटकनी दे सकती हैं, इसके अलावा बुआ बबुआ के गठबंधन को भी फेल कर सकती हैं। सबसे पहले जो उनके लिए एक सकारात्मक पक्ष होगा प्रियंका गांधी के लिए, वो होगा सवर्ण वोट बैंक, क्योंकि कहा जाता है कि सवर्ण वोट बैंक पहले कांग्रेस और बीजेपी का एक पुश्तैनी वोट बैंक हुआ करता था, पारंपरिक वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 कांग्रेस की परफॉर्मेंस जिस तरह से गिरी, उसके बाद से ये वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीजेपी के खाते में। इसके अलावा रैलियों में कहा जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी के आने से, प्रियंका गांधी की राजनीति को करने से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बहुत जोश से लबरेज हैं, उनमें जोश और खरोश देखा जा रहा है, कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। लगातार पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है, प्रियंका गांधी को झांसी की रानी दिखाया जा रहा है, झांसी के अवतार में दिखाया जा रहा है, गोरखपुर से लेकर बनारस में उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, रायबरेली और अमेठी में भी जो जनता उन्हें पसंद करती है उनके बीच, उनके चेहरे पर भी, उस जनता के चेहरे पर भी, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा रही है। और इस बात में कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग के बाद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा उत्साह से भरपूर हो गई है। और ऐसे में हो सकता है जब रैलियाँ हों, जो रैलियाँ अभी, जिन रैलियों में अभी भीड़ अभी ज़्यादा नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी के सामने आने से अब रैलियों में कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र आ सकती है, और ऐसे में ये भीड़ अब कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के रूप में तब्दील भी हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का फैक्टर काम कर सकता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में हमने हमेशा देखा भी है। अब ऐसे में तीसरा जो है वो है नारे, भाषण और मुस्लिम समुदाय। कांग्रेस का अगर ब्राह्मण यानी सवर्ण वोट बैंक हमेशा से उनका पारंपरिक वोट बैंक रहा है, तो वहाँ मुसलमान भी कहीं ना कहीं, मुस्लिम समुदाय भी एक वक्त कांग्रेस को ही वोट किया करते थे, क्योंकि कांग्रेस को अपना एक तरह से बेहतरीन पार्टी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये वोट बैंक भी कहीं ना कहीं सरकने लगा और फिर इसका सीधा जो फायदा था वो सपा बसपा को मिलने लगा। लेकिन अब ऐसे में अगर प्रियंका मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर काम करती हैं पूर्वांचल में, तो निस्संदेह से सपा बसपा के गठजोड़ को तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ बीजेपी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं जितना कि सपा बसपा को करते हैं। सपा को तो करते ही, क्योंकि मुलायम सिंह ने तो खुद ही कहा था मुल्ला मुलायम, तो उनकी पहचान ही मुल्ला मुलायम से है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रियंका गांधी इस दाव पर भी काम कर जाती हैं तो कहीं ना कहीं सपा बसपा के गठजोड़ को पूर्वांचल में नुकसान हो सकता है। चौथा ये है कि जिस तरह से पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत की जो वहाँ पे ट्यूनिंग देखी जाती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं, तो ऐसे में अगर इन दोनों ही वोट बैंक को साधने में प्रियंका गांधी कामयाब हो जाती हैं, तो दोनों ही वोट बैंक का जो वोट होगा वो कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत जो है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक कहे जाते हैं। और ऐसे में अगर मैं राजा भैया का भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि उनका पूरा जो कुनबा है वो प्रतापगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है, वो कुंडा से कई बार विधायक भी रह चुके हैं और विधायक हैं भी वो वर्तमान में, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं उनकी भी नई पार्टी लॉन्च हो चुकी है, तो उनका भी कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा वर्चस्व है, और राजपूतों के बहुत बड़े कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक को साधने में कामयाब हो जाती है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और ऐसे में जिस तरह से मैंने बताया है आपको, चार दाव ये हैं, सबर वोट बैंक, रैलियाँ और वोट और नारे, भाषण और मुस्लिम समुदाय, और इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत का आधारभूत वोट बैंक। अगर प्रियंका गांधी इन सभी सकारात्मक पहलुओं पर काम कर जाती हैं, जो कि अभी तक कांग्रेस के लिए बहुत ही नकारात्मक पहलू बने हुए थे, अगर इनको सकारात्मक पहलू में तब्दील कर पाती हैं प्रियंका गांधी, तो निस्संदेह पूर्वांचल में इस बार कांग्रेस को बहुत बेहतरीन वोट प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है, और बुआ बबुआ की जोड़ी को नुकसान भी हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए तो फिलहाल पूर्वांचल बहुत मुश्किल में नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है पूर्वांचल, लेकिन जब 2017 में वहाँ पर
पूर्वांचल में, जिस तरह से हार हुई गोरखपुर फूलपुर में, उसके बाद से पता चल गया कि राजनीति में कहीं भी कुछ भी और कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में पूर्वांचल में इस बार प्रियंका गांधी अगर इन सकारात्मक पहलुओं पर काम कर सकती हैं जो कि कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल नकारात्मक हैं, तो निस्संदेह इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार हो सकता है पूर्वांचल में, क्योंकि 2014 आम चुनावों में कांग्रेस को पूर्वांचल से एक भी सीट नहीं मिली थी। और ऐसे में कम से कम शून्य से शिखर तक पूर्वांचल में तो पहुंचा ही सकती हैं, कम से कम एक उम्मीद तो जता सकती हैं प्रियंका गांधी पूर्वांचल में। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर किसी सकारात्मक खबर के साथ मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।